सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस की तारीफ में कसीदे पड़े, बोले गुजरात हिमाचल चुनाव में बीजेपी को सिर्फ कांग्रेस की टक्कर दे सकती है। तिरुपति मंदिर के पास है 2.26 लाख करोड़ की संपत्ति, ट्रस्ट ने कहा 10.3 टन सोना और 16,000 करोड़ रुपए बैंकों में जमा। अगर मैं महाठक तो सत्येंद्र जैन से मुझसे क्यों लिए 50 करोड़, सुकेश चंद्रशेखर की दिल्ली एलजी को तीसरी चिट्ठी। बीजेपी की राह पर कांग्रेस, कठिन सीटों पर बूथ को टारगेट करने का प्लान, ग्राउंड जीरो पर होगी स्वयं सेवकों की नियुक्ति। हार स्वीकारने का साहस रखें, मुनु गोड़े उपचुनाव में जीत के बाद केटीआर का बीजेपी पर निशाना। बुलंदशहर में पुलिस ने पत्नी के हत्यारोपी पति को किया गिरफ्तार, अवैध संबंधों में बाधक बनने पर की थी हत्या। चंदौली के बलुआ घाट पर मनाया जाएगा देव दीपावली, देव दीपावली के अवसर पर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का होगा आगमन। कानपुर के विधनु में डीसीसी बस के गार्ड ने अधेड़ को मारी गोली, गंभीर हालत में सीएससी में डॉक्टरों ने हेल्प किया रेफर। अलीगढ़ में पंजाब में हिंदूवादी नेता की हत्या के विरोध में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय सचिव ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, सीबीआई जांच की मांग। कानपुर में पनके इंडस्ट्रियल एरिया की एसएनके मसाला फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। खतरे में यूक्रेन के पावर ग्रिड, की खाली कराएगी सरकार, उसी हमलों के बीच 1,000 हीटिंग सेंटर बनाने की तैयारी पूरी। तंजानिया में विक्टोरिया झील में यात्री विमान क्रैश, लैंडिंग से ठीक पहले गिरा प्लेन, 19 लोगों की मौत। भारतीय समुद्री सीमा में नहीं घुस पाएगा जासूसी जहाज, वांग 6 नौसेना शियान 1 की तरह खदेड़ देगी। दो दिन के रूस दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, रूसी विदेश मंत्री और डिप्टी पीएम से मिलेंगे, बायलेटरल रिलेशन और इंटरनेशनल एजेंडे पर होगी चर्चा। पाकिस्तान के नेताओं और सेना के अधिकारियों को भारतीय हैकरों ने बनाया निशाना, रिपोर्ट का दावा। भारत सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भिड़ेगा, जिम्बाब्वे को 71 रन से हराया, अश्विन के 3 विकेट, सूर्य और राहुल के अर्धशतक। हाथ में तिरंगा लिए मैदान में घुसा भारतीय फैन, रोहित शर्मा के पास पहुंचकर रोने लगा, अब 6.50 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। साउथ अफ्रीका यानी क्रिकेट के सबसे बड़े चौकर्स वर्ल्ड कप के अहम मुकाबले में टीम की हार का सिलसिला कायम। रियान बर्ल्ड ने पंत का हैरतअंगेज कैच पकड़ा, बाई ओर दौड़कर हवा में लगाई डाइव, 3 रन पर भेजा पेविलियन। पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचते शाहिद अफरीदी ने बाबर आजम को दी सलाह, रिजवान के साथ इस बल्लेबाज से कराएं ओपनिंग। एयरपोर्ट पर दिखे केजीएफ स्टार यश, लंबी दाढ़ी, दिखा नया हेयर स्टाइल, स्वैग देख फैंस हुए इंप्रेस। के साथ रिलेशनशिप में खबरों पर जानवी का रिएक्शन, कहा जब वो आसपास होता है तो मुझे घर जैसा लगता है। नातिन के जन्म पर इमोशनल हुए महेश और सोनी, याद किया आलिया का बचपन, कहा छोटी के आने से बड़ा हो गया घर।
राखी ने दी आलिया रणवीर को बधाई, बेटी के जन्म की खुशी में बांटी मिठाई, कहा फाइनली वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार था। कंगना ने ट्विटर को बताया बेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ब्लू टिक के लिए पैसे चार्ज करने के फैसले का किया समर्थन। मिनट में 25 बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं।